और रोजा उसकी बरकत सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमानदारों, माह रमजान आ रहा है, ये मुबारक महीना है और तुम्हारे लिए इसमें खुशखबरी है कि सरकश और शरारती किस्म की जिन्नात को पाबंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। और शायद इससे बड़ी खुशखबरी मोमिन के लिए क्या हो सके कि जो उसके साथ हम साथ है, जो फरिश्ता वसवसा डाल रहा है, जो शैतान जिन उसको वसवसा डाल रहा है, उसको बंद कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, उसकी कुव्वत को कमजोर कर दिया गया है, वो तड़प रहा है, वो रोदा से रोकने के काबिल ही नहीं रहा। बंदे का, मोमिन का रोजे की वजह से इत्मीनान इतना बढ़ जाता है कि शैतान का गलबा उस पर कम हो जाता है, शैतान उससे कमजोर हो गया है, उस पर गालिब नहीं आ सकता क्योंकि अंदर रोजा है और रोजा अल्लाह की रजा के लिए। जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि जहन्नम के दरवाजे रसूलुल्लाह फरमाते हैं बंद है, माह रमजान आएगा, जहन्नम के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत कीजिए। सहाबा कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते तो कहते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नसीहत फरमा दीजिए। आपने फरमाया अलैक बिसौ, ऐ अबू मामा तो मैं मोहम्मद मुस्तफा तुझे नसीहत करता हूं कि रोजे को लाजिम पकड़ना, रोजे से मोहब्बत करना, रोजे को लाजिम पकड़ना। क्यों? फरमाया है अबू मामा इससे के बराबर अमल मेरे दीन में कोई नहीं है, इससे प्यारा अमल और कोई नहीं हो सकता। अबू मामा फरमाया या रसूलल्लाह, मैं दोबारा फरमाया या रसूलल्लाह ये तो हो गई नसीहत, कोई और नसीहत फरमा दीजिए, कोई और नसीहत कर दीजिए। फरमा अलैक बिसौम, मैं दोबारा भी नसीहत यही करता हूं कि रोजों को जाया ना कर, इसके बराबर कोई अमल नहीं हो सकता।